நந்தனானிஜானந்தன நிரஞ்சனா பார்வதி நந்தனா பார்வதி நந்தனா கௌரி நந்தனாஜ पार्वती नंदन शुभ जय राम जी की आज है 19 मार्च 2022 और आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान अभी आपने सुनी गणेश वंदना जिसे स्वर दिया है हमारे रेडियो साथी अनीता गौड़ ने मैं हूं आपके साथ पारिजात आइए दृष्टि डालते हैं आज के पंचांग पर हमारे सनातनी कैलेंडर का आज का दिवस है शالي દેવ કા દિવસ શનિવાર હમ સનાતન યોકા વિક્રમ સમત ચલ રહા હે 2078 ઓર અભી આગે 6 માસ તક ભગવાન भास्कर ઉત્તરાણ રહેગે ઋતુ કે બાત કરતે હે તો અભી વૈદિક ઋતુ ચલ રહી હે શિશિર ઓર દ્રિક ઋતુ હે વસંત મહિન ચલ રહા હે હોલિકા ફાગુન પક્ષ પ્રારંભ હો ગયા હે કૃષ્ણ પક્ષ આજ કી તિથિ હે પ્રતિપદા અર્થાત કૃષ્ણ પક્ષ કી का प्रथम दिन तिथि के स्वामी अग्निदेव हैं नक्षत्र देखें तो आज सारे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा सायंकाल ग्यारह बजकर अड़तीस मिनट तक तदोपरांत चित्रा नक्षत्र अस्तित्वमान हो जाएगा हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रदेव हैं और चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं आज वृद्धि योग है जो कि सायंकाल यानी रात्रि में नौ बजकर एक मिनट तक गतिमान रहेगा तदोपरांत ध्रुव योग प्रारंभ हो जाएगा करण की बात करें तो आज कौलव करण चलेगा प्रातःकाल ग्यारह बजकर सैंतीस मिनट तक तदोपरांत तैतिल करण अस्तित्वमान हो जाएगा सूर्योदय का समय आज प्रातःकाल छः बजकर सत्ताईस मिनट पर और सूर्यास्त का समय सायकाल छ बजकर बत्तीस मिनट पर है आज का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है दोपहर बारह बजकर पाँच मिनट से बारह बजकर तिरपन मिनट तक गोलिक काल आज शुभ होने वाला है जो चलेगा प्रातःकाल छः बजकर सत्ताईस मिनट से सात बजकर सत्तावन मिनट तक अब आज का शुभ समय भी जान लीजिए आज राहु काल प्रातःकाल नौ बजकर अट्ठाईस मिनट से दस बजकर अट्ठावन मिनट तक अस्तित्वमान रहेगा यमगंड आज प्रातःकाल नहीं अपराह्न दो बजे से प्रारंभ होकर तीन बजकर तीस मिनट तक अर्थात साढ़े तीन बजे तक गतिमान रहेगा गोलिक काल का समय मैंने आपको बताया आज प्रातः काल का है और शुभ गोलिक काल है आज चंद्रदेव की बात करें तो कन्या राशि पर संचार करेंगे और सूर्यदेव कुंभ राशि पर आरोहित रहेंगे दिशाशूल देखें तो आज पूर्व दिशा में यात्रा करना शुभ नहीं है परंतु यदि उस दिशा में जाना अत्यंत अनिवार्य है तो घर से अदरक खाकर निकले माना जाता है कि शनिवार के दिन पीपल के नीचे हनुमान जी की पूजा करना है यानी हनुमान चालीसा पढ़ने से और गायत्री मंत्र का जाप करने से भय नहीं लगता भूत बाधा नष्ट हो जाती है और बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं अंत में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिवस शुभ रहे आप सत्यनिष्ठ रहे, धर्म के मार्ग पर चले और अच्छे मानव बने रहे। कल प्रातःकाल आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ कल के पंचांग के साथ अभी दीजिए मुझे विदा करते रहिए काम बोलते रहिए राम जी का नाम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार